खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। तीसरी में मनरेगा योजना की स्वीकृत लगभग 200 योजना को सोमवार को डिलीट कर देने, दाखिल खारिज नहीं करने एवं जाति आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में कमीशन खोरी के खिलाफ तीसरी अग्रवाला उच्च विद्यालय के पुराने भवन के प्रांगण में मनरेगा मजदूर, मेठ और लाभुक एकजुट होकर तीसरी वीडियो मनोज कुमार का विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें कहा कि तीसरी में वीडियो मनमानी करते हैं, वहीं वीडियो का मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। इस बीच मजदूर एकता जिंदाबाद, वीडियो मुर्दाबाद, कमीशन खोरी बंद करो, सरीखे नारे लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर 8 सूत्री मांग पत्र ब्लॉक के कर्मी पुष्पा को दिया गया। मौके पर कपिल यादव, सुरेश कुमार, राजू सोरेन, अजय यादव, दिनेश सोरेन, तालो सोरेन सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जब इस मामले की जानकारी लेने के लिए वीडियो मनीष कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर संपर्क नहीं हो पाया। वर्तमान में जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आए हुए हैं मनीष कुमार सिंह, इनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र में काफ़ी कठिनाइयाँ होता है और उसमें ये अपना अभी तक दोंगा नहीं बनवाया है। इसका कहना कि मुझे जातिवासी में 1500 रुपये करके देगा तो हम जातिवासी अपना दोंगा बना के अपना आईडी से छोड़ेंगे, एक। और दूसरा है ये अगुआ आवास में सभी लोग से ये कहते हैं कि 5000 रुपये करके मांग के दो तो उसको हम लोग सैंक्शन करेंगे। टेबल पर चाहिए और टेबल पर चाहिए। और तीसरा मांग, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी संग्राम मुर्मू जी और विनोद कुमार सिंह जी के द्वारा जो डोभा स्वीकृत हुआ था उनको ये डिलीट कर दिया अपने मनमाने तरीका से। इनका कहना था कि 5000 हमको फिर से डोभा में दो तो रहने देंगे और नहीं तो हम डिलीट कर देंगे। ये इसमें पैसा नहीं देने कारण ये अपना जो डोभा को डिलीट कर दिया गया और इसमें सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है। रिश्वत दो तब काम होगा और ये जब से हैं तब से इसका पूरा तानाशाही रवैया चलता है। किसी को ये प्रखंड में सम्मान नहीं देता है और अपना रुआ भी दिखाता है और कहता है कि जो जिसको उखाड़ना उखाड़ लो, मैं भी एक मंत्री का आदमी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जितने भी लाभुक मजदूर आता है उसको फटका लगा भागा था प्रखंड से। मैं मांग करता हूँ उपायुक्त महोदय से कैसे भरच प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस प्रखंड में नहीं रहने दिया जाए और अगर ये रहता है तो हम लोग कल दिनांक 21/2/2024 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं। जब तक हम लोग का 8 मांग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग उठेंगे भी नहीं। अगर धरना से नहीं सुनेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे।